राधे राधे। साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम गेहूं के आटे का नाश्ता बनाएंगे। ये बड़ा ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 आलू लिए हैं उबले हुए, पहले से उबाल के और छील कर रख लिए थे। इनका हम चूरा कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो घिया का इसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे आलूओं का चूरा कर लिया है। इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। आधे चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है कलर के लिए, धनिया पाउडर डाला है और किचन किंग डाला है, कटी हुई मिर्ची डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और हींग डाल दी है। हींग हमारे खाने को पचाती है। और हम इन सारे मसालों को अच्छे से आलूओं में मिक्स कर देंगे। और जो भी इसमें आलू की थोड़ी सी निकात गांठ रह गई हैं उनको भी हम अच्छे से तोड़ लेंगे और अच्छे से चूरा कर लेंगे। तो देखिए मेरे आलू मसाला तैयार हो चुका है। सारे आलूओं में मसाला मिक्स हो चुका है। मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, इससे हमारा नाश्ता और भी अच्छा बन के आए। थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मांड लेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना है। तो मैंने आटे में 1.5 छोटी चम्मच ऑयल डाला है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को लगा लेंगे। आटा हमें ऐसा ही लगाना है जैसा कि हम रोटियां बनाते हैं, वैसा ही आटा लगाना है हमें। और हमें कम कम पानी डाल के आटा लगाना है। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया है, मेरा आटा सॉफ्ट सा लग के तैयार है। और इसको थोड़ा सा इसको और हम मसल लेंगे अच्छे से और गुला लेंगे इसको। तो मेरा आटा बन के तैयार हो चुका है, अच्छे से लग चुका है। तो मैंने लोई बना ली है। लोई मैंने जैसे ही रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा लोई बड़ी बनाई है। इसको हम बेल लेंगे। हमको गोल बनाना है इसको आटे में लपेट के। और मुझे ये बड़ी सी रोटी बना लेनी है। अब मुझे कटोरी से इसको हम काट लेंगे। आप चाहें तो गिलास से भी काट सकते हैं, मैं कटोरी से काट रही हूँ। इससे क्या है कि मेरी एक साथ ही 2-3 पूड़ी बन के तैयार हो जाए। और जो भी हम एक्स्ट्रा का आटा रह गया है बगलों का, इससे हम निकाल लेंगे। तो देखिए मेरी 3 पूड़ी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम दोनों पूड़ियों को अलग रख लेते हैं और जो हमने आलू मसाला बनाया है उसको हम पूड़ी पर रख लेंगे। और हम दूसरी तरफ से उसको फोल्ड कर देंगे और हम बगल से इसको चिपका देंगे अच्छे से। और हमको ऐसा चिपकाना है हमारी कढ़ाई में जाके तेल में खुले ना। तो देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम एक एक करके इनको डाल देंगे अच्छे से। और गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। तो आप जितना चाहें उतना इसको नाश्ता को बड़ा बना सकते हैं। मैंने इसको कटोरी से काटा था, आप लोइयां बनाकर भी इसको बेल के बना सकते हैं। मैं फिर से एक और इसमें डाल दूंगी, इसमें थोड़ी सी जगह बची थी इसलिए। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगी। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज़ नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो देखिए मेरा नाश्ता एक तरफ से सिक चुका है। हम इसको पलट देंगे और सभी को हमें ऐसे ही पलट देना है। ये बहुत ही हेल्दी है और सभी को पसंद आता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। आप सुबह के नाश्ते में भी इसको बना के खा सकते हैं। आप इसमें हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा नाश्ता बनके तैयार है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। क्या बात है, मेरा नाश्ता कितना बढ़िया सा बनके तैयार हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सारी किचन महक चुकी है, कितना अच्छा फूला फूला बनके तैयार हुआ है।
तो देखिए मैंने भी दो तरह के बनाए हैं, एक बड़े बनाए हैं और एक छोटे वाले बनाए हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।